नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बिगसेफ 250 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो बिगसेफ 250 टैबलेट मार्केट में आती है, बेस्टोकेम कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 164 रुपये और 25 पैसे, यानी 164 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले। दोस्तों, इसके अंदर सेफुरोक्सिम 250 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो बिगसेफ 250 mg टैबलेट मार्केट में आती है, इसको हायर एंटीबायोटिक बोला जाता है। ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो तकलीफ है, जो शिकायत है, उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शन है, कुछ लंग्स के अंदर निमोनिया की शिकायत है, साइनसिटिस की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके अंदर सूजन है, पेशाब में जलन हो रही है, खून आ रहा है पेशाब में से, और कुछ भी तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए भी ये दवा चलती है। आपको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है कुछ, उसके लिए दवा चलती है। कुछ बर्निंग केस है, बर्निंग की वजह से आपको कुछ इंजरी हो गई है, जख्म सूख नहीं रही है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा चलती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपको नौसिया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखें, कैसा लेना है। जनरली इसको 2 टाइम इन अ डे, दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।